हेलो फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट कथे का कथे वॉरेन बफेट हा, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन, यू कैन नॉट कंट्रोल योर हेल्थ एंड वेल्थ। तो वॉरेन बफेट कथे वो कथे वहा कि अगर हम हर इमोशन ला कंट्रोल नहीं करबो तो हम हमार स्वास्थ्य भी खराब कर लेबो और साथ ही साथ हमार जो पैसा है वो भी हमार चले जाए। काबर कोई अच्छा चीज देखें, कोई मोबाइल देखें, कोई घड़ी देखें, अच्छा लगीस ले लेन, इमोशन में आके लेथन मना। तो इमोशन में आके कोई काम नहीं करना है, सोचना है, विचार करना है कि का जरूरी है वहा। काबर हर दिन नया नया मोबाइल आते हैं, हर दिन नया नया गाड़ी आते हैं, तो इमोशन में आके इसने हम करत रहो तो हमार तो पैसा निकल जाही, खत्म हो जाही। और इसने तो जो जरूरत की चीज है, जो जरूरी है वो चीज हम लेना है, उसने इमोशन में आके कोई भी चीज खा लेथन हम, जो भी मिली सुन खा लेथन, रास्ता में जाथन और कुछ चिप्स मिल गए, कुछ कुरकुरा मिल गए, ओला खा लेथन। तो इमोशन में आके करबो तो फिर लाइफ बिगड़ जाइए। इमोशन में आके नहीं खाना है, हमला विचार करना है, हमला सोचना है कि ये खाए से का हमला लाभ है और का हमला नुकसान है, ये चीज ला विचार करना है, ओकर बाद ही खाना है। मैं एक ठन उदाहरण दूँ, सारा अली खान जब अपन स्कूल या कॉलेज में पढ़त रही से तो ओकर सामने घर के जहाँ पे रहा है वो कर एक पिज्जा साफ रही से और खाना रही सो तो रोज पिज्जा खाए वो भारी मोटा आ गए वहा भयंकर। अभी जिसने दिखते वहा सारा अली खान अपन यूट्यूब वगैरह में देखे हो, वो मस्त स्मार्ट है, फिट है, लेकिन वो समय जब वो पढ़त रही से तो वो भारी मोटी रही सो, मतलब अभी जिसन हेबे वो कर ले तीन गुना, मतलब समझ सकते हो। अभी मान लो 40-50 किलो का वजन हुई तो वो समय 100-120 किलो ले ज्यादा रही सोकर वजन है। तो इमोशन में आके इसने करत रहो तो नहीं बने। अभी अब वो बढ़िया फिट हो गए हैं और अब कोई भी चीज खाए से पहले अपन डॉक्टर से सलाह लेते या खुद विचार करते कि ये खाना है कि नहीं खाना है। तो मैं यही कहूं कि अपन इमोशन ला कंट्रोल करो। विराट कोहली ले लो, विराट कोहली एक नंबर क्रिकेटर है, सबको जाना था वो। ओहा कहीं भी जगह पानी नहीं पिए हुआ, ओकर पानी स्पेशल पानी पीते हुआ उसने, वो कोई भी चीज ला नहीं खाया हुआ, हर चीज उनकर फिक्स है, कोई भी रोड छाप चीज खाए कोई दिक्कत नहीं, खाओ लेकिन थोड़ा विचार कर लो एकर से का फायदा है और का नुकसान है। मैं तो देखता हूँ लइका मन, नान नान लइका मन के दांत ह सड़ जाते हैं। दांत ह शरीर के सबसे मजबूत अंग माने जाते भाई, मैं बाजू वाले हर यहाँ पढ़े हूँ, दांत सबसे मजबूत अंग है हमारे शरीर के, और लइका मन के दांते सड़ जाते। तो भाई लइका मन ला पेप्सी कोको कोला ये सब चीज पिला हो तो दांत तो सड़बे कर ही, नहीं तो कहा कहते भाई सियान मन हा कि आदमी अगर दफना दिया जाए तो सबसे आखिरी में ही दांत जो है गलते, और वो दांत आजकल लइका मन 2-3 साल की उम्र में गल जाते है, तो हमला सावधानी नहीं रखबो तब तो गलबे कर ही। तो जो वॉरेन बफेट जो कहे है वो बात समझो, मैं फिर से रिपीट करूँ, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशन, अगर तुमन अपन भावना कंट्रोल नहीं करो तब का होही, हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ मतलब शरीर स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब पैसा, तो इन दोनों चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकन। तो बढ़िया रहो, मस्त स्वस्थ रहो, मस्त रहो और थोड़ा सा विचार कर लो, हमला सब चीज करना है लेकिन थोड़ा सा विचार कर लो एक बार जीवन में कि हाँ खा धन तो एक से हमारा का नुकसान है और का फायदा है। कोई भी चीज खरीदा तो मोबाइल घड़ी गाड़ी जो भी लेना है तो थोड़ा सा एक बार विचार कर लो कि ले से पहले कि काबर एक सीधा असर हमारे बजट जो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन है, जो हमारे आर्थिक स्थिति ओकर ऊपर होगी। तो एक बार विचार कर लो और जो कोई भी चीज खरीदना है, बेचना है, लेना है, देना है तो ये चीज़ करो तो जिंदगी बढ़िया रही। जय जोहार संगवारी हो, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।